हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। सुनीस लाइफ स्टाइल में आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ अपने लीची के बगान में, जो मेरे ससुराल में अवस्थित है। और ये लीची का बाग हम लोगों ने खरीदा था, पेड़ लगा हुआ बाग खरीदा था। और ये मेरे पति की गाढ़ी मेहनत की कमाई है जिससे मैंने खरीदा। और यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने हम लोग यहाँ आए हैं, मैं, सासू माँ और भतीजी है साथ में। यहाँ देखिए लीची थोड़ा सा, मैंने उतना काफ़ी अच्छा तो फसल नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छी है। 2-3 साल से बीच में तो लीची साफ एकदम नहीं ठीक थी लीची की स्थिति। और यहाँ हो गया कि थोड़ा सा देख रेख भी इसका कम पड़ गया है, इसको साफ़ सफाई इसकी करवानी है, इसकी मरम्मत भी करवानी है। पौधों में मैंने कि पेड़ों में खाद वगैरह देना है। तो बीच में जो 2-3 साल जो कोविड रीजन थे उसमें मैं कोविड तो नहीं, लेकिन कोविड से तो नहीं परेशान हुई थी, लेकिन मुझे PCOD हस्बैंड को वो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, जिसके कारण हम लोग लंबे समय तक बीमार रहे और बीमारी से लड़ते रहे। तो इस वजह से और कुछ और हादसे हो गए परिवार में, जिसकी वजह से हम लोग ध्यान इधर नहीं गया। 2 साल तो हम लोगों ने पता भी नहीं चला कि मैंने लीची, बाद में ध्यान आया कि हाँ भाई लीची का बाग भी देखना है। तो पता चला कि जब गए थे तो तब तक लीची समाप्त हो चुका था, वो लीची का मैंने फल लगा था कि नहीं वो भी नहीं पता चला हम लोग को। तो यहाँ आने के बाद भी हम लोग सही जगह पर नहीं पहुँचे हैं, हालांकि यहीं आसपास है। और यहाँ लगभग पूरे लोगों का ज़्यादातर लीची है और कुछ कुछ आम के पेड़ भी हैं। आम है, सेमल है और शीशम है और कटहल वगैरह है, कुछ है। तो यहाँ लोग यही डिसीजन कर रहे हैं कि कौन अपना है और कौन दूसरे का है। और यहाँ देखिए लीची जो भी है आसपास के पेड़ों पर भी है, जो भी है यहाँ पेड़ पर ठीक ही है, ठीक ही कही जा सकती है। यहाँ देख सकते हैं कि नीचे जंगल कितना है। ये आम वगैरह का भी पेड़ है। यहाँ मन पूरा पूरे लोगों का जो बाग होता है। और ये देखिए लीची का फल देख सकते हैं कितना पत्तों का ढेर लगा हुआ है। अगर यहाँ साफ किया जाए ना तो एक बड़ा सा ढेर लग जाएगा पत्तों का। और गांव घर की पहले तो औरतें, अब तो वो उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस मिल गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे कितना देखने में कितना अच्छा लगता है। लाल और हरा हरे हरे पत्तों के बीच लाल लाल लीची देखने में अच्छा लगता है ना। तो पहले कि जो गरीब लोग होते थे औरत लोग, वो क्या करती थी कि यही बाग बगीचों से पत्तों को बुहार कर ले जाती थी और जलावन करती थी। तो अब तो सबको गैस मिल गया है, तो अब कौन सा कौन गैस कौन भाई ये धुआं वाला काम करे, धुआं जल करे, और कौन इतना मेहनत करे कि साफ करके ले जाए और खाना बना, इसलिए इतना ढेर लगा हुआ है। और कोई नहीं, इससे खाद ही बन जाएगा। जब इसकी मिट्टी की गुराई करवाएंगे तो ये सब अंदर चला जाएगा और ये सब अंदर जाएगा, बायोमास खाद बन जाएगा, जैविक खाद में परिवर्तित हो जाएगा। और तो फिर हम लोग थोड़ा सा जब सुबह जब पौ फटने लगा तो हम लोग वहाँ से निकलने लगे और यहाँ घर आए, तो कुछ अलग ही मेरा तमाशा घर में करा हो गया कि यहाँ मेरे बेड के नीचे आम रखा हुआ था और आम जैसे दीमक ने फिर आम पर आक्रमण किया, और इसके चलते मुझे पूरा ये पूरा पलंग वगैरह सब हटाना पड़ा और सबकी साफ सफाई की दीमक की वजह से। तो यहाँ ये पलंग के नीचे का हिस्सा मैं दिखा रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है। तो आज बहुत मेहनत हो गई, बहुत थक गई हूँ
यहाँ अभी तक व्यवस्थित नहीं है, देख सकते हैं पलंग का बीच वाला जो सब टूटा है वो गिर गया है, उसको ठीक कर। गाइस कैसी लगी आप लोग को ये लीची बाग की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक।